Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about National Handloom Day, and this topic is important from our syllabus paper 3, Indian Polity and Governance point of view. तो समझते हैं. सबसे पहले देखिए, 7 अगस्त यानी कि आज का दिन, it is celebrated in India as National Handloom Day. और इसको 2015 से नेशनल हैंडलूम डे की तरह मनाया जा रहा है, जब 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई में ये अनाउंस किया कि इस दिन को आज से नेशनल हैंडलूम डे की तरह मनाया जाएगा. तो आखिर क्या सिग्निफिकेंस है इस डेट का, 7 अगस्त का, वो भी ज़रा समझते हैं. क्यों इसी दिन को नेशनल हैंडलूम डे बनाया गया है वो भी समझते हैं. तो देखिए, इसी दिन 7 अगस्त को 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. और स्वदेशी मूवमेंट तो आपको पता है, उसमें एम्फेसिस था कि हमारे देश की बनी हुई चीज़ों को ही हम इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे. और हैंडलूम जो है वो हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर को ही रिप्रेजेंट करता है. हमारे देश में हैंडलूम का कल्चर बहुत ज़्यादा था पहले से ही. घरों के अंदर औरतें जो हैं वो अपने काम काज के अलावा हैंडलूम में इंगेज होती थी. जिसके कपड़े हम पहनते थे वो तो ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने बाद में ये सिंथेटिक कल्चर लाया हमारे देश में, सिंथेटिक फैब्रिक का कल्चर लाया, जिस कारण से हैंडलूम एक नेग्लेक्ट हो रहा था. तो हैंडलूम को वापस से पॉपुलराइज करने के लिए, बाकी तमाम स्वदेशी चीज़ों को पॉपुलराइज करने के लिए 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसके सबसे बड़े जो सपोर्टर थे या जो आइडिया आप कह सकते हैं वो बाल गंगाधर तिलक जी का था. तो इस कारण से इस दिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है आत्मनिर्भरता पे, स्वदेशी मूवमेंट का. तो इसी कारण से इस दिन को 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे की तरह मनाया जाता है, क्योंकि हैंडलूम इज एन इंडिकेटर ऑफ आत्मनिर्भरता, हैंडलूम इज एन इंडिकेटर ऑफ स्वदेशी. और इस दिन जो हमारे देश के वीविंग कम्युनिटी के लोग हैं, जो कढ़ाई बुनाई करने वाले लोग हैं, उनको कुछ ऑनर्स भी दिया जाता है, कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं. और इस साल का जो नेशनल हैंडलूम डे है 2021 का, इसका थीम है हैंडलूम एंड इंडियन लीगेसी. अगर हैंडलूम की बात की जाए, द सिग्निफिकेंस ऑफ हैंडलूम सेक्टर फॉर इंडिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है हमारा हेरिटेज ये रिप्रेजेंट करता है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को हैंडलूम रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश के कल्चर से जुड़ा हुआ है. जैसे कि मैंने आपको बताया तो ब्रिटिशर्स या यूरोपियन हमारे देश में सिंथेटिक फैब्रिक का कल्चर लेकर के, अदरवाइज ट्रेडिशनली तो हमारे यहाँ पे हैंडलूम के ही कपड़े पहने जाते थे. हैंडलूम मतलब क्या, हाथों से कढ़ाई बुनाई की हुई चीज़ें, उसमें थोड़ा बहुत चरखा वगैरह का इस्तेमाल कर लिया तो एक अलग बात है, बट मोस्टली इसमें लोगों के अपने आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल होता है. जो आर्टिस्ट होते हैं कढ़ाई बुनाई में अलग अलग तरह के डिज़ाइन निकालते हैं, जैसे इकात वगैरह काफ़ी पॉपुलर तरीके हैं कढ़ाई बुनाई के, या फिर आप समझिए लखनऊ में होता है चिकनकारी, चिकनकारी तो इट्स नॉट चिकन करी, इट्स चिकन कारी, ओके. तो इस तरह के कढ़ाई बुनाई हमारे देश में अलग अलग जगहों पे काफ़ी पॉपुलर हैं. तो ये जो हैंडलूम है, इट रिप्रेजेंट्स हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, राइट. और हैंडलूम, उसका दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज सॉफ्ट पावर. तो सॉफ्ट पावर कैसे, देखिए हैंडलूम हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे इंडिया इसको पॉपुलराइज कर रहा है हैंडलूम के प्रोडक्ट्स को, ताकि इंडिया का सॉफ्ट पावर अलग अलग जगहों पे बढ़े. फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले ये स्टार्ट किया था इंडिया ने ही, इंडियन हाई कमीशन ने, हैशटैग सारी ट्विटर चैलेंज, जिसमें दुनिया भर के जो अलग अलग आप समझिए हाई कमिश्नर डिग्नेटरीज हैं, लेडी डिग्नेटरीज, हाई कमिश्नर या लेडी हाई लेडी एम्बेसडर्स, उनको हमने एक तरह से आप मोटिवेट किया था साड़ी पहनने के लिए, अपने वीडियो या अपने इमेज शेयर करने के लिए. और इसमें कई सारे दुनिया भर के जो कौंसुलर ऑफिसर्स हैं या एम्बेसडर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने इस हैशटैग साड़ी ट्विटर चैलेंज में पार्टिसिपेट भी किया था. तो इस तरीके से इंडिया साड़ी, जो कि एक इंडिकेटर है हैंडलूम कल्चर का, उसका इस्तेमाल करके अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कई बार जो हमारे देश के हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो जब दूसरे देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ मुलाकात करते हैं तो खादी के कपड़े पहनते हैं. सो इस तरीके से खादी की या साड़ी जो है वो हमारे सॉफ्ट पावर का एक इंडिकेटर बनता जा रहा है. तो आपको बस इतना लिखना है मेंस पेपर में कि हैंडलूम हेल्प्स इन ऑगमेंटिंग इंडियाज सॉफ्ट पावर, एग्जांपल साड़ी डिप्लोमेसी,
खादी डिप्लोमेसी, बस इतने लिख देंगे नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हैंडलूम की बात की जाए तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू एम्प्लॉयमेंट एज वेल। अगर आप देखें फोर्थ ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस की बात करें, देखिए हैंडलूम का भी सेंसस कराया जाता है कुछ कुछ दिनों पे, काउंटिंग की जाती है कि कितने लोग हैंडलूम से जुड़े हुए हैं, कितने हैंडलूम हैं हमारे देश में। तो फोर्थ ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस कराया गया था 2019-20 में, उसमें पता चला कि लगभग अभी भी हमारे देश में 31 लाख हाउस होल्ड्स में हैंडलूम प्रैक्टिस की जाती है, हैंडलूम के कपड़े बनाए जाते हैं। सो दैट मेक्स हैंडलूम सेक्टर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर एग्रीकल्चर। तो एम्प्लॉयमेंट में भी काम का आता है हैंडलूम, एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से भी हैंडलूम इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट में भी हैंडलूम का इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसी ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस से पता चला कि जो भी हमारे देश में हैंडलूम है उसमें 70% हैंडलूम्स आर बीइंग रन बाय वीमेन। जो वीमेन होती हैं अपने घरों में डेली के कामकाज के बाद जो वक्त बचता है उसमें वो हैंडलूम के थ्रू कढ़ाई बुनाई करती हैं। तो इससे कैसा होता है कि हैंडलूम के कपड़े बेच करके उनको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग भी मिलती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी मिलता है, और इस तरीके से फिर आप कह सकते हैं कि हैंडलूम इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि हैंडलूम ज़्यादातर वीमेन चला रही हैं और हैंडलूम के जो कपड़ों को बेच करके जो अर्निंग होती है उससे वीमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है। अगर आसाम के अंदर बात की जाए तो वैसे तो हैंडलूम पूरे इंडिया भर में काफ़ी पॉपुलर रहा है, ट्रेडिशनली आज भी पॉपुलर है, 31 लाख घरों में हैंडलूम है, लेकिन आसाम के अंदर हैंडलूम का कल्चर कुछ ज़्यादा ही है। आप अगर देखें अगेन अकॉर्डिंग टू दिस ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस कंडक्टेड इन 2019-20, आसाम हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ हैंडलूम्स इन द कंट्री। तो पूरे इंडिया में तो हैंडलूम सेक्टर पॉपुलर है लेकिन आसाम के अंदर कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। इनफैक्ट आसाम हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ हैंडलूम्स, देयर आर अबाउट 14 लाख वीवर्स इन आवर स्टेट, जिसमें से 13,88,000 तो सिर्फ वीमेन हैं। तो मुद्दा यह है कि आसाम में सबसे ज़्यादा हैंडलूम सेक्टर है पूरे इंडिया की तुलना में, और उसमें भी 98% तक उसमें वीमेन इंगेज्ड हैं, और पूरे इंडिया भर के जो हैंडलूम हैं उसमें लगभग हमारे स्टेट के अंदर लगभग 11 लाख हैंडलूम्स ऑलरेडी हैं, एंड अबाउट 16 लाख पीपल आर इंगेज्ड इन टू हैंडलूम एंड अलाइड एक्टिविटीज़। और हमारे स्टेट अकेले हमारे स्टेट आसाम से लगभग 160 मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ हैंड वूवन फैब्रिक्स हर साल प्रोड्यूस किया जाता है। तो मुद्दा यह है कि हैंडलूम आज भी हमारे स्टेट के अंदर तो कम से कम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर बात की जाए लगभग 100 साल पहले 1921 में महात्मा गांधी ने पहली बार आसाम विजिट किया था, और उस टाइम में वो हैंडलूम का पॉपुलैरिटी आसाम में देख करके इतना इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने कह दिया था कि असमीज वुमेन जो हैं दे विल बी द टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने उस टाइम में देख लिया था कि आसाम के अंदर हैंडलूम इतना पॉपुलर है, एंड दैट्स वाई ही सेड कि हैंडलूम जो है वो आसाम को हमेशा सेल्फ सफिशियंट बनाएगा और आसाम की जो वीमेन हैं वो हमेशा आगे रहेंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो हैंडलूम हमारे स्टेट आसाम के अंदर दे आर रन बाय द वीमेन मेंबर ऑफ द फैमिली। और ये बहुत हद तक सही भी साबित हुई। आप देखिए अगर आप आसाम को कंपेयर करें बाकी स्टेट से, खासकर जो हमारे देश के नॉर्थ स्टेट्स नदर्न स्टेट्स हैं या सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं, अगर उसको कंपेयर करें आसाम के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आसाम के अंदर द पोजीशन ऑफ वीमेन इज रिलेटिवली मच बेटर, और उसके पीछे कहीं ना कहीं हैंडलूम सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इट हैज़ एंश्योर्ड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वीमेन, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशियंसी ऑफ वीमेन, जो महात्मा गांधी ने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था लगभग 100 साल पहले ही। लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो हैंडलूम सेक्टर इज़ फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज तो है दैट दे आर फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप पावर लूम प्रोडक्ट्स। अब पावर लूम वाले जो प्रोडक्ट हैं वो तो सस्ते में बन जाते हैं क्योंकि मशीन से बन रहे हैं, उस कारण से हैंडलूम धीरे धीरे पॉपुलैरिटी लूज़ कर रहा है, काफ़ी बहुत कम लोग बच गए। आप देखो अभी आप देखते होंगे जो साड़ियाँ होती हैं, जो हैंडलूम वाली साड़ियाँ होती हैं रिलेटिवली महंगी हो जाती हैं अगर उसमें बढ़िया कढ़ाई बुनाई हो तो इस कारण से उसकी महंगाई के कारण, और सस्ते अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं पावर लूम वाले, इस कारण से कहीं ना कहीं हैंडलूम जो है वो मार्केट लूज़ कर रहा है। उसके अलावा कोविड-19 के बाद से तो हैंडलूम सेक्टर को देखो बहुत बड़ा इम्पैक्ट थ्रस्ट मिला है, निगेटिव थ्रस्ट,
क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हो गए या लोगों के अंदर जो है अभी देखो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, पैसों की कमी है इन जनरल, तो इस कारण से जो हैंडलूम सेक्टर है वो अपना मार्केट और भी ज़्यादा लूज कर गया। क्योंकि नॉर्मली हैंडलूम सेक्टर कैसे पॉपुलर बना रहता है, जगह जगह पे कुछ कुछ दिनों पे आप समझिए एग्जीबिशन लगा करके या इस तरह के काउंटर लगा करके हैंडलूम सेक्टर पॉपुलरिटी बनाए रखता है, लेकिन ये पिछले 1.5-2 सालों से इस तरह के एग्जीबिशंस लगे ही नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई चेन है रूरल एरिया से या सेमी अर्बन एरिया से जो सप्लाई चेन है हैंडलूम का, वो टूट गया है बिकॉज ऑफ COVID-19 सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, और इस कारण से हैंडलूम सेक्टर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है पिछले 1.5-2 सालों में, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो इसी कारण से जब इस साल हमारी आसाम सरकार ने बजट रखा 16 जुलाई को ही रखा है, 1.5 महीने पहले ही जो बजट रखा है 16 जुलाई को जब बजट रखा है 2021-22 के लिए, तो उसमें हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव ली गई है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी। इसमें आसाम सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए अंडर दिस स्कीम स्वनिर्भर नारी स्कीम। उन्होंने कहा है कि द गवर्नमेंट विल इंगेज इन टू डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ हैंडलूम फ्रॉम द वीवर्स थ्रू आर्ट फेड एंड AGMC। तो अब रैदर दैन गोइंग थ्रू मिडिल मैन, अब सरकार डायरेक्टली जो गांव-गांव के जो वीवर्स हैं, वीमेन वीवर्स, खासकर वीमेन वीवर्स औरतें जो घरों में हैंडलूम्स के कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं, उनसे ये जो हमारे स्टेट की एजेंसीज हैं आर्टफेड एंड AGMC, ये वो कपड़ों को प्रोक्योर करेंगे और सीधा सीधा आसाम सरकार के जो भी आप समझिए कि कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इन कपड़ों का इस्तेमाल होगा। देखिए आसाम सरकार या फिर किसी भी SMEs कल्चरल इंगेजमेंट में तो आप देखते ही होंगे कि सबसे पहले वो गमोसा से शुरुआत की जाती है, तो गमोसे को भी कोशिश किया जाएगा कि हैंड वुमेन गमोसे इस्तेमाल किया जाए। ऐसा कहा है आसाम सरकार ने कि पावर लूम वाले गमोसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हैंड लूम गमोसों का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो सारे गमोसे जो हैं वो डायरेक्टली वीवर से ख़रीदा जाएगा, वीमेन वीवर से थ्रू आर्ट फेड एंड AGMC, ताकि वीमेन वीवर को सपोर्ट मिले। दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन ब्रॉट अंडर स्वनिर्भर नारी स्कीम दैट वॉज अनाउंस्ड इन दिस बजट 2020-21-22। उसके अलावा पहले फेज में लगभग 1,23,000 वीवर्स को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके अपने कपड़ों में और कैसे एफिशिएंसी से वो उसको बना सकते हैं जिससे वो मार्केट पॉपुलैरिटी गेन कर सकें, इसके लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और अलग अलग जगहों पे सेल्स काउंटर लगाए जाएंगे हमारे स्टेट में, प्लस उनके लिए एक स्पेशल ऐप बनाया जाएगा जिसकी मदद से उनके फैब्रिक्स पूरे इंडिया भर में बेचे जा सकें। सो दीज इनिशिएटिव्स हैव बीन ब्रॉट और अनाउंस्ड अंडर स्वनिर्भर नारी स्कीम इन बजट 2021-22 प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम इन द मंथ ऑफ July 2021। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट 76th एनिवर्सरी ऑफ हिरोशिमा बॉम्बिंग एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस Paper 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए 6 अगस्त यानी कि कल का दिन, इसी दिन 1945 में US ने जापान की हिरोशिमा सिटी पे न्यूक्लियर वेपन अटैक किया था, जो दुनिया का पहला और आप कह सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद आखिरी अभी तक का न्यूक्लियर वेपन अटैक रहा है। तो इसके 76 ईयर्स पूरे हो गए हैं, कल 6 अगस्त था तो इसके 76 साल पूरे हो गए हैं, और इसी कारण से ये आर्टिकल आया है हमारे अखबारों में कि कैसे ये बॉम्बिंग हुई थी, उसका कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ था और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के और क्या क्या नुकसान हैं, आज भी कैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा है, उन सब के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। तो 76 ईयर्स अगो हिरोशिमा सिटी वॉज बॉम्ब्ड बाई US, हिरोशिमा सिटी ऑफ जापान, और माना जाता है कि बस एक इस बिल्डिंग को छोड़ करके ये जो डोम है हिरोशिमा शहर का, बस इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था हिरोशिमा शहर का, इसीलिए इस बिल्डिंग को द एटॉमिक बॉम्ब डोम इन हिरोशिमा कहा जाता है। द डोम वाज रजिस्टर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1996 एंड दिस वाज द ओनली बिल्डिंग लेफ्ट इन हिरोशिमा आफ्टर द बॉम्बिंग एंड इट इज़ नाउ अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। इसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे, मिलियंस वेयर इंजर्ड, मिलियंस वेयर सब्जेक्टेड टू न्यूक्लियर रेडिएशन, और न्यूक्लियर रेडिएशन से होता क्या है कि लोग हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, और इससे भी ज़्यादा बुरी बात है कि वो सिर्फ खुद हैंडीकैप नहीं होते हैं, वो रेडिएशन जो है वो उनके थ्रू उनके बच्चों तक पास होता है। तो इसी कारण से आने वाली कई जनरेशंस तक हिरोशिमा और नागासाकी में हैंडीकैप लोगों के जो ओवरऑल परसेंटेज थे वो काफ़ी हाई रहे। इनफैक्ट आज भी आप देखेंगे तो हिरोशिमा और नागासाकी में हैंडीकैप लोगों के परसेंटेज हाई हैं, और
ये जब से हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बार्डिंग की है यूएस ने जापान के ऊपर, उसके बाद से पूरे दुनिया भर में एक मेजर डिबेट छिड़ गया है कि क्या न्यूक्लियर वेपन्स सही हैं, क्या हमें पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स का डिसआर्मामेंट कर देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम डिबेट के बाद भी, तमाम डिस्कशन के बाद भी, न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल बढ़ता जा रहा है पूरे दुनिया भर में। अगर आप यहाँ पर देखिए एक डाटा जो सुप्रीन ने रिलीज़ किया है, तो आप इस डाटा से आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में न्यूक्लियर स्टॉकपाइल बढ़ता जा रहा है। अकेले रसिया और यूएस के पास 6000 से ज़्यादा, दोनों के पास इंडिविजुअली न्यूक्लियर स्टॉकपाइल हैं, मतलब न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, इतने सारे उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। फ्रांस के पास 300 हैं, चाइना के पास 290, इंडिया के पास भी लगभग 140 है। ये थोड़ा पुराना डाटा है, एक साल पुराना है, माना जा रहा है कि इंडिया ने और 10 बढ़ा लिए, पाकिस्तान 160 तक आ गया है। तो एग्जैक्टली डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि आप देखिए कितने सारे न्यूक्लियर स्टॉकपाइल हमने जमा कर लिए हैं बाई मे 2019 का डाटा है ये। इतने सारे हमने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल जमा कर लिए हैं और बस एक का इम्पैक्ट हमने देखा कि दो शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। इतने सारे न्यूक्लियर स्टॉकपाइल अगर एक बार में इस्तेमाल कर लिए गए तो पूरी दुनिया को कई दफ़ा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड मल्टीपल टाइम्स। एंड दैट इज़ वाई द करेंट एज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज नोन एज एज ऑफ ओवर किल। ये बस मारने के लिए काफ़ी नहीं है, बार 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 हमें मारने के लिए काफ़ी है, ओ इज ऑफ ओवर किल। कई दफ़ा इसकी मदद से मारा जा सकता है, दुनिया को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और हम लगातार न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं। तो आखिर क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्यों न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे हैं, क्यों तबाही देखने के बावजूद भी हिरोशिमा में और नागासाकी में हम आज भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं? तो कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ मेकिंग मोर एंड मोर न्यूक्लियर वेपन्स। तो लेट अस सी द आर्ग्यूमेंट्स दैट सपोर्ट्स न्यूक्लियर प्रोलीफरेशन, कि क्यों ज़्यादा ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाए जाने चाहिए। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है दैट इट गिव सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू अ कंट्री, कि इट इज़ सेफ सिक्योर्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट। जो भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो अपने आप को कम से कम सेफ सिक्योर मानता है। एटलीस्ट वी एज एन इंडिया, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो वी फाइंड आर सेल्फ ए लॉट मोर सिक्योर्ड। आप इमेजिन कीजिए सिनारियो कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, चाइना के पास भी, और हमारे पास नहीं होता, तो उस टाइम में जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती हमारी, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन जो है इट प्रोवाइड्स अस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट माना जाता है, सोच के आपको थोड़ा उल्टा लगेगा, बट दुनिया के कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, उनका ऐसा मानना है कि न्यूक्लियर वेपन हेल्प्स इन अवॉइडिंग वॉर। न्यूक्लियर वेपन से लड़ाइयाँ नहीं होती, क्यों नहीं होती जरा वो भी समझिए। इट एंश्योर्स म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो क्या ये कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर डेटरेंस, इसी को कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर डेटरेंस, वो क्या है वो समझिए, एंड हाउ इट अवॉइड्स वॉर वो भी समझिए। देखिए मान लीजिए कोई कंट्री ए है और ये दूसरा कंट्री बी है, इसने न्यूक्लियर वेपन बनाया, इसने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया। अब दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ मेजर लड़ाई में एंगेज नहीं होंगे, बिकॉज बोथ विल फियर ईच अदर कि भाई सामने वाले के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर मैंने कुछ इधर उधर किया तो न्यूक्लियर वेपन भी अटैक कर सकता है मेरे ऊपर, एंड साइमल्टेनियसली और वैसे वर्षा बी विल फियर ए। तो इस कारण से कैसा होगा कि दे विल नॉट फाइट ईच अदर बिकॉज दे नो दैट द अदर पार्टी इज हैविंग न्यूक्लियर वेपन, सो दे विल नॉट फोर्स द अदर पार्टी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। और इसका एग्जाम्पल भी देते हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। आप देखिए इंडिया पाकिस्तान को हमने तीन फुल स्केल लड़ाइयाँ लड़ी 1948 में, 1965 में, 1971 में, और दोनों ही कंट्री ने 1998 में न्यूक्लियर वेपन बना लिया। तो बोथ बिकेम न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन 1998, और तब से कोई भी फुल स्केल लड़ाई हुई नहीं है। जो कारगिल वॉर था दैट वाज नॉट ए वॉर, उसको कहते हैं वॉर बट दैट वाज नॉट अन ऑफिशियल वॉर फ्रॉम पाकिस्तान साइड, क्योंकि पाकिस्तान फॉर्मली डिड नॉट डिक्लेयर इट अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, इट वॉज इंट्रूजन फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी इन द गार्ब ऑफ ट्राइबल्स, बट दे नेवर सेड दैट इट इज़ पाकिस्तानी आर्मी फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन आर्मी, उन्होंने ऐसा नहीं माना। वाई? बिकॉज दोनों ही साइड, देखिए मुद्दा यह है कि 1998 जब दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए, तब से दोनों ही कंट्री ने फुल स्केल वॉर अवॉइड किया। आप देखिए पुलवामा के टाइम में कैसे माहौल बन गया था 2019 में, या उसके पहले उरी के टाइम में भी इतना टेंस माहौल बन गया था, बट फिर भी हमने फुल स्केल वॉर अवॉइड किया, क्योंकि वी नो द कॉस्ट ऑफ वॉर, एंड द कॉस्ट ऑफ वॉर इज न्यूक्लियर अटैक, दैट नो कंट्री इज विलिंग टू पे द प्राइस, दैट प्राइस इज वे टू हाई। हम भी, पाकिस्तान हमसे कमज़ोर है इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉर्नर नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और न्यूक्लियर वेपन अटैक का जो इम्पैक्ट होगा या जो कॉस्ट होगा वो हमारे लिए कहीं ज़्यादा होगा। तो इस कारण से डिस्पाइट नोइंग कि इंडियन आर्मी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तानी आर्मी, हम उनको
बेवजह, मतलब उनको आप समझिए बहुत हद तक अपने ऊपर रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बना लिया उन्होंने। तो ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि हाउ न्यूक्लियर वेपन हेल्प्स इन अवॉइडिंग वॉर, लेकिन ये सब के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। भाई ये सब तो वो सोचेगा ना जो सेंसिबल है, रैशनल है कि सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूं बिकॉज द कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर अटैक विल बी हाई। कई सारे तो इरैशनल डिसीजन मेकर्स भी हैं। आप देखिए इस इंसान को, नॉर्थ कोरिया का लीडर, डू यू थिंक दैट ही विल थिंक दैट मच इफ ही इज पुश्ड टू सर्टेन एक्सटेंट कि भाई सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो मैं भी ना इस्तेमाल करूं। विल ही एक्चुअली बी गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पॉलिसी, इफ आई अटैक हिम ही विल अटैक मी एंड वी बोथ विल बी डिस्ट्रॉयड, इट इज म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, इट इज गारंटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ साइड, विल ही थिंक दैट मच, इट इज क्वेश्चनेबल। सो ऑल न्यूक्लियर पावर स्टेट्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल और रैशनल इनफ। सो सबसे ये उम्मीद करना कि दे विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज वे टू हाई, मतलब आपको ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। उसके अलावा ये तो आप इतने सारे न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, इतने सारे स्टॉकपाइल बना रहे हैं, और अगर किसी नॉन स्टेट एक्टर के हाथ लग गया तो, मतलब किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ लग गया तो फिर क्या करेंगे? उसको तो कोई डर नहीं है, उसको तो कुछ भी नहीं बचाना, उसके लिए तो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पॉलिसी भी काम नहीं आएगी उस केस में, तो फिर वो जैसे उसको मिलेगा वो अटैक कर देगा। तीसरा, अगर इतने सारे न्यूक्लियर स्टॉकपाइल बना रहे हैं तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने के भी तो चांसेस हैं, उस केस में भी तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कि भाई हमें पूरे दुनिया को मिल करके न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर देना चाहिए। पर दिक्कत क्या है कि जो प्रपोजल्स दिए गए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए, जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो डिफरेंशियल है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है। कहते हैं कि बस पांच कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, वो जो P5 कंट्रीज है, बाकी सबको अपना अपना न्यूक्लियर वेपन हटाना होगा। सो देयर डेफिनेशन ऑफ डिसआर्मामेंट इज डिस्क्रिमिनेटरी, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू NPT, देयर डेफिनेशन ऑफ डिसआर्मामेंट इज डिफरेंशियल, जो इंडिया मानने को रेडी नहीं है। इंडिया कह रहा है कि अगर डिसआर्मामेंट करना है तो पूरी तरह से डिसआर्मामेंट कीजिए, हम अपना न्यूक्लियर वेपन हटाने को तैयार हैं, बशर्ते कि बाकी सब लोग भी इसको हटाएं। ये सब नहीं चलेगा कि बस P5 कंट्रीज रखेंगे और हम नहीं रख सकते, दैट इज नॉट डिसआर्मामेंट। इंडिया के अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जाए तो इंडिया देखो स्टार्टिंग से ही सिविलियन पर्पस के फेवर में था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बस सिविलियन पर्पस के लिए होना चाहिए। लेकिन 1962 में जब चाइना से लड़ाई हुई और कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमें अपने डिफेंस को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, और 1966 में जब चाइना ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो फिर हम भी मजबूर हो गए। इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट कंपल्सन कमिंग फ्रॉम चाइना, हमने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया पोखरण में। लेकिन उस टाइम में जो लीडर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, इट इज़ अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कभी नहीं करेंगे। तो इस कारण से 1974 में इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन 1998 में हमने किया ऑपरेशन शक्ति अंडर लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, और ऑपरेशन शक्ति अगेन इन पोखरण, इसीलिए इसको पोखरण 2 नाम से भी जानते हैं। और उस टाइम में इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर किया एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, लेकिन साथ ही साथ इंडिया ने अपनी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी अनाउंस की। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मतलब द पॉलिसीज दैट इंडिया विल बी फॉलोइंग इन ऑर्डर टू यूज इट्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हम किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी अनाउंस की। और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इंडिया ने सबसे पहले कहा नो फर्स्ट यूज, हम पहले किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट मैसिव रिटेलिएशन, अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन अटैक करता है तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, देयर विल बी मैसिव रिटेलिएशन। उसके अलावा नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट, अगर कोई ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो उसके खिलाफ हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। तो मुद्दा यह है कि इंडिया इज ए रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कंट्री, बशर्ते, बस दिक्कत यह है कि इंडिया इज इन फेवर ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट। दिक्कत यह है कि बाकी सारे कंट्रीज भी अपने अपने न्यूक्लियर वेपन गिव अप करने को रेडी हो, तभी इंडिया अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप करेगा। सो वी आर ए न्यूक्लियर रेस्पॉन्सिबल स्टेट एंड दैट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दैट इंडिया हैज़ पुट फॉरवर्ड। इंडिया इज़ इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ऑल्सो, बट दैट इज़ कंडीशनल अपॉन कंप्लीट डिसआर्मामेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, इट कैन नॉट बी इन अ पार्शियल मैनर। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनका न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिनकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपार्ट फ्रॉम इंडिया, तो वो हैं चाइना, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, उसको पता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल तरीके से दिखाना है, अदरवाइज लोग हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इट ऑल्सो फॉलोज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। चाइना की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कंडीशनल है, चाइना कहता है कि मैं यूएसए के खिलाफ
न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल पहले कर सकता हूँ अगर यूएसए ने ताइवान को थोड़ा भी सपोर्ट किया तो फॉर्मली। द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट खेल रत्न अवार्ड। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसको नहीं आना चाहिए। देखिए ये न्यूज़ काफ़ी सरल है कि अभी तक जो हमारे देश की जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड हुआ करता था वो होता था खेल रत्न अवार्ड, और उसको उसको कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये कुछ हद तक जस्टिफाइबल भी है क्योंकि खेल रत्न अवार्ड तो किसी बड़े खिलाड़ी के नाम के बाद ही होना चाहिए, और मेजर ध्यानचंद से बड़ा खिलाड़ी कौन ही होगा हमारे देश में। अगर आप उनके सिग्निफिकेंस देखें तो आपको समझ आ जाएगा, उनका कंट्रीब्यूशन देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने बड़े प्लेयर थे वो। ही वॉज इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस हॉकी, और मैं तो कहूँगा नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट। 500 से भी ज़्यादा उन्होंने गोल किए हैं, द ग्रेटेस्ट। और आप देखिए आपका उनका ग्रेटनेस का आपको अंदाज़ा लग जाएगा अगर आप इंडिया का परफॉर्मेंस स्टार्टिंग के सालों में देखें इन ओलंपिक्स, ध्यानचंद जी के टाइम में मतलब हमारा गोल्ड पक्का हुआ करता था। मतलब हम ओलंपिक्स में कम से कम हॉकी में तो गोल्ड गारंटेड है। आप देखिए गोल्ड लाना कितना कठिन है ये तो हम देख ही रहे हैं अभी, गोल्ड लाना इतने सारे हमारे एथलीट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं बट फिर भी गोल्ड लाना कितना कठिन। और आप देखिए लाइन से हम गोल्ड लाते थे हर साल हर बार ओलंपिक्स में गोल्ड हॉकी में बिकॉज ऑफ ध्यानचंद। 500 से भी ज़्यादा गोल किए उन्होंने, ही वॉज सच ए ग्रेट प्लेयर। सो आई वुड से नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही वॉज ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर टिल नाउ। इनको बस पद्म भूषण अवार्ड मिला है भारत सरकार द्वारा 1956 से। मुझे तो लगता है कि इनको भी भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए, अगर सचिन तेंदुलकर को मिला है तो इनको भी मिलना चाहिए। इनका जो बर्थडे है 29 अगस्त, उसको ऑलरेडी हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाया जाता है, और अब खेल रत्न अवार्ड को भी इनके नाम के बाद जोड़ दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आप देखिए स्टार्टिंग के गोल्ड देखिए, वो स्टार्टिंग इन्होंने 3 गोल्ड इनके ही लीडरशिप में आया है, गोल्ड ऑफ 1928, 32 एंड 36। और उन्होंने जो एक लीगेसी सेट कर दी थी उस कारण से कई सालों तक हम वापस से गोल्ड पाते रहे, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ सालों में हमारी हालत कितनी ख़राब हो गई। पिछले 40 सालों में हमें एक भी मेडल नहीं मिला, इट इज़ ओनली आफ्टर 1980 2020 में जाकर के हमें एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये कम नहीं है ब्रॉन्ज मेडल, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी आप सोचिए पहले हमारा परफॉर्मेंस कैसा हुआ करता था और अब हम कहाँ पे हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट यह भारत सरकार की एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट थी जो 1975 में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम इसका बजट था सिर्फ 15 करोड़, लेकिन बार बार इसको डिले किया गया और लगभग 45 साल बीत चुके हैं और तब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया धनसरी रिवर के ऊपर। एंड दैट इज़ वाई इसका जो इनिशियल बजट था 15 करोड़ उसका अब बजट बढ़ के हो चुका है 567 करोड़। 567 करोड़ में से लगभग 444 करोड़ इज़ कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि रिमेनिंग अमाउंट इज़ कमिंग फ्रॉम नबार्ड्स लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड। मुद्दा यह है कि ये प्रोजेक्ट 45 सालों तक डिलेड रहा है और इसी कारण से बहुत बार कॉस्ट ओवररन हुआ है और 15 करोड़ का प्रोजेक्ट अब जाकर के 550 करोड़ से भी ज़्यादा में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन चलिए अच्छी बात यह है कि अब असम के इरिगेशन मिनिस्टर अशोक सिंगल साहब ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बताया है कि ये प्रोजेक्ट लगभग अब कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है, और आने वाला 31 मार्च 2022 को इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। एपीएससी प्रीलिम्स देने वाले स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं असम की उनको एक बार यहां पे देख लेना, कम से कम ये तो याद ही रखना आपको, राइट फ्रॉम लोहित, बूढ़ी दिहिंग, दिखोस, धनसिरी। धनसिरी इज लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जाकर के ब्रह्मपुत्रा को मिल रहा है, तो ये सब एक बार अच्छे से देख लेना पीटी से पहले। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो असम का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया गया था भरौलमुख पुलिस स्टेशन को इन गुवाहाटी, इसको 2018 में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया गया था। करंट न्यूज़ ये है कि असम का दूसरा चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया गया है इन मंगलदोई डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन? तो देखिए जो बच्चे जिनको मान लीजिए जिन्होंने थोड़े बहुत छोटे मोटे क्राइम कर दिए हैं, ठीक है जी, बच्चों से भी क्राइम हो जाता है,
बच्चों को सजा नहीं होती है, लेकिन फिर उनसे पूछताछ करने के लिए उनको कभी कभार पुलिस स्टेशन में रखना होता है और उसके बाद उनको रिफॉर्म हाउस में भेजा जाता है, जेल नहीं भेजा जाता, रिफॉर्म हाउस में भेजा जाता है। तो जो पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है 4-5 दिन, तो उस टाइम में कोशिश की जाती है कि पुलिस स्टेशन का माहौल जो है फ्रेंडली बना के रखा जाए बच्चों के लिए। तो इस तरह के खेलने कूदने की चीज़ें और वो सब चीज़ें रखी जाती हैं, और वैसे पुलिस स्टेशन को जहाँ पे खेलने कूदने की चीज़ें और सब कुछ हैं, जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल महसूस करे, उसको कहा जाता है चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। हमारे स्टेट के अंदर अभी तक बस एक ही था चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, भरौलमुख, और अब एक दूसरा बना दिया गया है मंगलदोई डिस्ट्रिक्ट में। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली, इंटर स्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बाकी सब तो स्टैट्यूटरी बॉडी है बाकी दोनों। कैपिटल गेन राइज, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 और 3, इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट विल नॉट लीड टू कैपिटल गेन, ये बाकी दोनों कैपिटल गेन का एग्जाम्पल है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।